बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सदन में दिए गए बयान के बाद अब सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर टिप्पणी की थी, हालांकि जब मामला काफी गर्मा गया तब उन्होंने माफी भी मांग ली थी, लेकिन उनके द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है, जिसके चलते आज कानपुर में भाजपा महिला मोर्चा की दर्जनों सदस्यों द्वारा परेड चौराहे पर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंक कर आक्रोश जाहिर किया गया। साथ ही महिलाओं ने उनके इस्तीफे की भी मांग की है। हालांकि इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार पहले ही माफी मांग चुके हैं, लेकिन महिलाओं का कहना है कि ये सारे शब्द उनके द्वारा जानबूझकर बोले गए हैं, जिसकी भरपाई अब इस्तीफे से ही पूरी हो सकती है। नारी का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। करो शर्म करो नीतीश कुमार, शर्म करो। हाय 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 हाय, शर्म नीतीश कुमार। आज पुतला दहन इसलिए हम लोगों ने किया है कि नीतीश कुमार ने दो जगह विधानसभा में और एक जगह और दो जगह महिलाओं के लिए अश्लील बयान दिए हैं, उसका विरोध करने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने पुतला दहन किया कि जिस नारी ने उनको पैदा किया उसी की कोख को उन्होंने लजाया है। ऐसे अश्लील शब्द आज तक जीवन में मैंने कभी भी किसी के मुँह से नहीं सुने।